knowledge is of no value unless you put it into practice. So, let's start our topics. Hello students, I hope you all are fit and fine at your home. And as you know that I am your English teacher Richa Mishra, behalf of Gurukul Mission Senior Secondary School. And I hope you have enjoyed fully the summer vacation. And today we will start your next chapter. So what is your next chapter? Your next chapter is poem. Okay, so let's see. Hello students, this is poem and the poem name is A House, A Home, and this is written by Lauren M. Hulley. This is the poem name, poet name. Okay, this poet has written this poem, A House, A Home. Okay, so let's see the explanation. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard. Some windows glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys, a tiles floors, and stucco and roof and lots of doors. ठीक है, इसमें पोएट जो कहना चाहते हैं कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट इज अ हाउस. सबसे पहले वो बता रहे हैं कि हाउस क्या है. तो इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन. हाउस जो होता है ब्रिक एंड स्टोन का बना होता है. कई जगह ब्रिक का बना होता है, ब्रिक मीन्स सीमेंट से बना होता है, कई जगह पत्थरों से बना होता है, स्टोन मीन्स पत्थर. ठीक है, एंड वुड दैट्स हार्ड, और वुड्स के भी बनते हैं हाउस, वुड के भी बनते हैं दैट्स जो कि बहुत हार्ड होते हैं. सम विंडो ग्लास एंड परहेप्स अ यार्ड, और हाउस में जो विंडो लगे होते हैं तो कुछ विंडो जो होते हैं ग्लास के बने होते हैं. ग्लास मीन शीशों के विंडो, शीशे लगे होते हैं. ठीक है, शीशे के विंडोज होते हैं. एंड परहेप्स अ यार्ड, परहेप्स में होता है शायद. ठीक है, और जो शायद जो होता है उसमें कुछ प्रांगण भी होते हैं, जैसे आंगन टाइप में कुछ बने होते हैं. इट्स एप्स एंड चिमनीज. एप्स मीन्स होता है जैसे ओरी, जैसे एप्स मीन्स क्या होता है, जैसे बारिश की पानी निकालने के लिए हाउस में कई जगह कुछ गुप्त जगह बनाई गई थी, कुछ होल्स बना दिए जाते हैं जहाँ से वो बारिश का पानी क्या जगह निकल जाएगा, तो वो एप्स होता है. तो एप्स भी होते हैं. ठीक है, एंड चिमनीज, और चिमनी लगी होती है. ठीक है, जैसे ऊपर से कुछ, मतलब जैसे सपोज किचन वगैरह है तो उसमें पहले क्या होता था, वो बनाई जाती थी धुआं वगैरह निकलने के लिए. ठीक है, एंड टाइल्स फ्लोर, और टाइल्स के क्या होते हैं, हाउस में फ्लोर बने होते हैं, कई लोग टाइल्स के बनवाते हैं, कई लोग ऐसे ही नॉर्मल. ठीक है, एंड स्टको एंड रूफ. स्टको मीन्स होता है प्लास्टर लगाना. ठीक है, तो प्लास्टर लगे होते हैं एंड रूफ, छत बने होते हैं. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे डोर भी लगे होते हैं, वो हाउस होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेन एम हल्ली के अनुसार, जो ये बता रहे हैं कि हाउस इन सब चीज़ों से बनी होती है, और उसमें जैसे ऐसा हाउस उसे कहते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे डोर्स भी लगे होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं पोएट कि व्हाट इज अ होम. ओके, होम क्या है, व्हाट इज होम. इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. होम जो है जहाँ पे बहुत सारे जो फैमिली एक होती है. होम मतलब जैसे देखिए, होम और हाउस में बहुत डिफरेंस होता है. कई लोग होते हैं कि उन्हें डिफरेंट नहीं पता होता है. कई बच्चे ट्रांसलेशन को ऐसे ही बनाते हैं घर, मतलब उस ट्रांसलेशन जो बनाया जाता है तो वहाँ सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें हाउस कहना है और कहाँ पे हमें होम कहना है. ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ने बताया है कि हाउस और होम में क्या, हाउस तो आपको समझ में आ गया, आप होम देखते हैं कि व्हाट इज अ होम. इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. होम जो होता है जहाँ पे एक फैमिली होती है पूरी, और उनके बीच क्या होता है, बहुत ही लविंग फैमिली होती है, तो जो एक दूसरे में फैमिली के बीच प्यार होता है और एक दूसरे के लिए वो हर चीज़ें करते हैं फैमिली में. इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स. यहाँ फैमिली में क्या होता है, यही होता है ना, फादर मदर ब्रदर सिस्टर. ठीक है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर यही होते हैं ना. तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग एक दूसरे के लिए हर चीज़ अनसेल्फिश, यानी बिना स्वार्थ के जो है यहाँ पे एक्ट करते हैं. जो हमारी फैमिली होती है, क्या हमारे फैमिली में थोड़े कोई स्वार्थ तो नहीं होता है. हमारी माँ अगर हमारे लिए कुछ करती है तो कोई उनके
उनको वो सेल्फिश तो नहीं होती है ना, वो अनसेल्फिश होके ही हमारे लिए करती है, फादर भी अनसेल्फिश होके ही हमारे लिए करते हैं और हम भी उनके लिए करते हैं। तो वही बताने चाह रहे हैं, पोएट कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो फैमिली, जो होम होता है उसके अंदर एक फैमिली होती है, और जो फैमिली होती है ब्रदर सिस्टर फादर मदर एक्सेट्रा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो इट्स अनसेल्फिश एक्ट, वो उनकी अनसेल्फिश एक्ट्स होती है बिना स्वार्थ का, एंड काइंडली शेयरिंग एंड सोविंग योर लव वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जो होते हैं अपने हर चीज़ों को शेयर करते हैं फैमिली में एक दूसरे से, एंड सोविंग योर लव्ड वंस और अपने प्यार को शो करते हैं, एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग और हमेशा अपनी फैमिली का क्या करते हैं, केयर करते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम आई होप कि ऑल स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट हैज रिटेन एंड व्हाट वांट टू से द पोएट इन दिस पोएम। ओके, तो इन दिस पोएम पोएट इज वांट टू से दैट व्हाट इज हाउस एंड व्हाट इज होम, कि हाउस क्या है, हाउस जो है होता है इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है, और होम जो होता है उसमें एक फैमिली होती है, और फैमिली में कैसे मतलब एक हमारी फैमिली के मेंबर्स में एक लविंग एंड केयरिंग छुपा होता है जो हम करते हैं एक दूसरे के लिए, और हमेशा सबका केयर करते हैं ऑलवेज। ओके, तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सो For understanding, you have to watch this video 3 or 4 times, and after then you can give me your feedback. Thank you.